ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर बैठी हुई उस परमात्मा की शक्ति को, भगवान की शक्ति को, माता रानी की शक्ति को प्रणाम करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं नाभि चक्रा के बारे में। इसको मणिपुर चक्रा भी कहते हैं, 3 नंबर चक्रा भी बोलते हैं, सूर्य चक्रा भी बोलते हैं, सोलर चक्रा भी बोलते हैं। वैसे तो सब चक्रा का हमारी सूक्ष्म शरीर में, हमारे स्थूल शरीर में जब बैलेंस होता है तो हमारी ज़िंदगी में बैलेंस होता है, क्योंकि ज़िंदगी बैलेंस का ही नाम है। आप परिवार से सुखी हो, आप कारोबार से सुखी हो, जॉब से सुखी हो, सोशली सुखी हो, तो आप अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। कोई भी बीमारी आ जाती है उसी टाइम सब कुछ सबका सब बैलेंस आपका बिगड़ जाता है। बीमारी दोस्तों छोटी हो बड़ी हो हमें हिला के रख देती है। मणिपुर चक्रा नाभि के आसपास, नाभि के नीचे और पूरा रीढ़ की हड्डी को टच करता हुआ, और ऐसी मान्यता है जैसे कमल के फूल की 10 पंखड़ी हों, ऐसे बड़ी बड़ी, और चक्कर के रूप में ऐसी स्थिति वाला लगभग पीला सा कलर। जैसे दोस्तों शास्त्रों में पढ़ते हैं, जो वर्णन है महसूस करते हैं, तो कभी कभी 19-21 होता है। किसी को डार्क पीला दिखाई देता है, किसी को लाइट पीला दिखाई देता है, पर पंखड़ियाँ 10 होती हैं, पर जब हमारे पे कृपा होती है तो हम गिन नहीं पाते हैं। जे हमारी सूक्ष्म शरीर का, स्पिरिचुअल शरीर का, स्थूल शरीर का धुरा है नाभि चक्रा। जैसे आपका नाभि चक्रा इम्बैलेंस होता है, आप बहुत सी बीमारियों को पाल लेते हो। कभी कभी बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा को भी रिसीव करते हो। जिन लोगों को ज़्यादा नज़र लगती है, तंत्र मंत्र के नेगेटिव प्रभाव में आ जाते हैं, लोगों से नेगेटिव शक्ति को रिसीव करते हैं, उनका भी नाभि चक्रा इम्बैलेंस होता है। इसके उल्ट जो सदा कॉन्फिडेंस में रहते हैं, सदा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी इम्पॉसिबल दिखाई नहीं देता, पर ईगो नहीं होती। बहुत से लोगों में कॉन्फिडेंस होता है, ईगो होती है, दूसरों को डाउन करने की बात को सोचते हैं। जिनका नाभि चक्रा स्ट्रांग होता है, खुद आगे बढ़ने के साथ साथ अपनी टीम को, अपने परिवार को, अपने देश को, अपने समाज को आगे बढ़ाने की सोचते हैं। नाभि चक्रा के बैलेंस होने से, स्ट्रांग होने से आप नई नई चीजें करते हो, आप बहुत जल्दी सीखते हो, सीखने की इच्छा बढ़ती जाती है। ऐसा कहूँ तो जिनका नाभि चक्रा जागृत है वो बहुत अच्छे विद्यार्थी होते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, बहुत अच्छे शिष्य होते हैं, और नाभि चक्रा जागृत हो जाता है तो महागुरु होते हैं, और जागृत हो जाता है और जागृत हो जाता है, वो सद्गुरु होते हैं। नाभि चक्रा के नीचे एक अमृत कुंड है। अमृत कुंड के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। वो अमृत सरोवर की भांति है। जैसे आप रामचरित मानस पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, तो उसमें वर्णन है कि रावण ने अपने नाभि चक्र में अमृत कलश को बांध के रखा था। दोस्तों, जैसे जैसे आप ईमानदार बनते हो, दूसरों का भला करने लगते हो, घर में बहू को, बेटी को, माँ को, वाइफ को मान सम्मान देते हो, तो आपका नाभि चक्र बैलेंस होने लगता है। जैसे आपको सभी में मां नजर आने लगती है तो ऑटोमेटिकली नाभि चक्र खुल जाता है, सभी बहनों में, बेटियों में। आज इतनी जो रेप की घटनाएं हो रही हैं, हम रोज रोज सुनते हैं। अगर सच में ध्यान का प्रचार किया जाए, सच में धर्म का प्रचार किया जाए, बच्चों को सिखाया जाए, लोगों को सिखाया जाए, तो ऐसी घटनाएं रुक सकती हैं। इसमें सभी साधु संत महात्माओं को आगे आना चाहिए। नाभि चक्र कमजोर होने से कभी हीन भावना मन में आती है, कभी कभी हम अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं, हमारा सभी से झगड़ा होने लगता है। आपने देखा होगा कुछ लोग घर से झगड़ा करके चलते हैं, रास्ते में, गाड़ी में, ट्रेन में, बस में, अपनी गाड़ी में ड्राइवर से, साथ वाले से झगड़ा करेंगे, मॉल में जाएंगे, कोई शॉपिंग करेंगे, वहाँ झगड़ा करेंगे, किसी ऑफिस जाएंगे, कोई बात होगी, वहाँ झगड़ा करेंगे। समझ लेना उनका नाभि चक्र खराब है। दूसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप नोट करना, जब कोई प्यार करता है तो मन से करता है, पर पता नहीं चलता कि मन से कर रहा है कि ड्रामा कर रहा है, बहुत मुश्किल होता है ना। पर जब कोई जेलसी करता है आपसे तो मन से करता है, ये महसूस करना। जेलसी का कोई दिखावा नहीं करता, और जेलसी की जो रेजेज निकलती हैं वो नाभि चक्र पे जाती हैं। नाभि चक्र रिसीविंग पावर, और नाभि चक्र आपका सिक्योरिटी गार्ड। जैसे जैसे किसी की जेलसी की रेजेज जहां पहुंचती हैं, तब आप नाभि चक्र कमजोर होता, आप रिसीव करते हो, आप डाउन हो जाते हो। हस्बैंड वाइफ का बड़ा रिलेशन है, किसी दोस्तों, दो फ्रेंड का अच्छा रिलेशन है, किसी की जेलसी की ऐसी नजर पड़ती है, अचानक आप इरिटेट हो जाते हो। नाभि चक्र को स्ट्रॉन्ग करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए और भी चीज़ें आपको सिखाएंगे, आगे बताएंगे, जितनी ऑन स्क्रीन बताई जा सकती हैं। पर जब आप साधना सच में करेंगे, आप अध्यात्म के ऊपर चर्चा तो करें, चर्चा को छोड़ करके उसको प्रैक्टिकल रूप में लें, तब आपको इसका आनंद आएगा। जैसे आपके स्टार बुरे बुरे चल रहे हैं, शनि की साढ़सती चल रही है, राहु खराब चल रहा है, मंगल खराब चल रहा है, तो आप बाहर चले जाते हो, कभी कुछ चीज़ें पानी में डाल रहे हो, कभी कुछ दान कर रहे हो, उनका भी अपना महत्व है। पर सबसे पहले अपने नाभि चक्र को ठीक करने की कोशिश करें, कि जो आपकी सिक्योरिटी करने वाला, जो आपका प्रोटेक्शन देने वाला, जो आपकी रक्षा करने वाला, इसकी सूर्य का तत्व माना जाता है। सूर्य की शक्ति है, जे सूर्य की शक्ति को रिसीव करता है। सूर्य, जैसे सूर्य भगवान है, आप कितने भी पेड़ पौधे लगा लो, जब सूर्य भगवान की रोशनी मिलेगी नहीं मिलेगी तो बड़े नहीं होएंगे वो। जब तक सूर्य भगवान की रोशनी आएगी नहीं घर में, आपका घर आनंदित नहीं होगा। जब तक आपको सूर्य की शक्ति नहीं मिलेगी, तब तक भी बात नहीं बनेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जे चक्र सीधा सीधा भगवान से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है। कैसे? जब आप मां के पेट में होते हो तो नाभि से ही सारा कुछ आपको शक्ति मिलती है, आपको खाना मिलता है, भोजन मिलता है, श्वास मिलता है। जैसे आप मां से अलग होते हो तो आपकी नाड़ी को ही काटा जाता है, नाभि की नाड़ी को काटा जाता है ना। और जैसे जैसे आप अपनी जन्म देने वाली मां को प्रणाम करोगे, अपनी जन्म देने वाली मां के प्रति थैंकफुल होगे, अपने जन्म देने वाली मां की खूबियां सोचोगे, उसने कुछ भी नहीं किया, आपको 9 महीने पेट में तो रखा, तो ये नाभि चक्र अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे आप अपनी माँ के खिलाफ होते हो, माँ का मान सम्मान नहीं करते हो, माँ के प्रति हीन भावना होती है, माँ के प्रति बुरी भावना होती है, आप बहुत बड़े व्यक्ति बन गए, बहुत तरक्की कर ली आपने, आपको शर्म आती कि मेरी माँ तो अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है, मैं कैसे मिलाऊँ अपने सर्कल में, तो आपका नाभि चक्र खराब हो गया। आज भी आपका बेड़ा गर्क, कल भी गर्क, कितना भी ध्यान कर लो, कितनी भी माला कर लो, कुछ नहीं होने वाला। और नाभि चक्र भगवान ने जो बनाया, माँ के पेट में एक बच्चे का पालन पोषण सब कुछ ईश्वर ने कृपा की। जैसे जैसे आप परमात्मा के करीब जाते हो तो आपको माँ के चरणों में होके ही गुजरना पड़ेगा। ऐसा झूठ नहीं कहा शास्त्रों ने कि माँ के चरणों में ही स्वर्ग है, माँ के चरणों में ही सब कुछ है। जब ये चक्र खराब होता है, रुक जाता है, कभी कभी हीलिंग जो देते हो आप हीलर हो तो भी आपका नाभि चक्र स्ट्रांग होना चाहिए, आप हीलिंग रिसीव करते हो तो भी आपका नाभि चक्र स्ट्रांग होना चाहिए। कभी कभी आप भक्ति में हो, परमात्मा के चरणों में हो, गुरु के चरणों में हो, अचानक आप नेगेटिव हो जाते हो तो समझ लो कोई नेगेटिव अटैक हो गया, आपका नाभि चक्र डैमेज होने लगा। कभी कभी जैसे हम ध्यान करते हैं, मैं लोगों को अक्सर हीलिंग देता हूँ, तो कभी कभी मैंने महसूस किया कि ये चक्रा उल्टा चल रहा है। सीधा चक्रा कैसे चलता है? जैसे घड़ी चलती है, जहाँ आप गाड़ी का टायर आगे को चलता है, और कभी कभी उल्टा घूमता दिखाई दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो उस टाइम लगा कि जैसे क्लीनिंग हो रही है। आपने अपने आप को हीलिंग देनी है, इस चक्रा को मजबूत करना, इस चक्रा की जो शक्ति है, माँ की शक्ति, वो माँ लाकिनी देवी जी की शक्ति है। माँ लाकिनी देवी जी 3 आँख वाले, काले शरीर के, 3 मुख वाले हैं, और वो ये तीनों शक्तियाँ उनकी ऐसी हैं कि जब पूरे आपके धुरा को, पूरे सेंटर पॉइंट को बैलेंस कर देती हैं। उनका मंत्र है रम, कुछ रंग कहते हैं, रम कहते हैं, दोनों ही ठीक हैं, इस बहस में ना पड़ें, उसको करें जरूर। कहीं बढ़िया चीनी होगी, मीठा कम होगा, ज़्यादा होगा, है तो चीनी, इस बहस में नहीं पड़ें कहाँ की बनी हुई है, दोनों मंत्र ठीक हैं। पीला कलर है माँ लाकिनी देवी जी की शक्ति का। कभी कभी गुड़ वाले चावल, पीले चावल जैसे पंजाब में बनते हैं, उनका माँ को भोग लगा के उनको खाना चाहिए, बच्चों को भी खिलाने चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर पीर फकीरों की मज़ारों में, दरगाहों में पीले चावल का प्रसाद चढ़ता है। इसी कारण से हमारे महापुरुषों ने, बुजुर्गों ने जो प्रथा बनाई हमारे लिए, उनका कहीं ना कहीं कारण था कि इंसान के सब चक्रा ठीक रहें। हम धीरे धीरे पीले चावल तो याद रखे, पर जो मेन बात थी उसको भूल गए। और जैसे आपने मंत्र करना है नाभि चक्रा के बारे में, नाभि चक्रा की मुद्रा है, ऐसे हाथ हैं, अंगूठे को ऐसे करें और बिल्कुल मुट्ठी को मीचने, बिल्कुल पूरा जोर से बंद करके रम नम: 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 राम नम: रम नम: रम नम: राम नम: रम नम। ऐसे धीरे धीरे मन में जाप करें। मानसिक जाप का फल कई गुना है। जैसे भी आप दोस्तों चक्रा का ध्यान करें, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। जैसे कभी समाधि में चले जाते हो ध्यान करते करते, तो रीढ़ की हड्डी ऐसे हो जाती है, तो उसकी कोई बात नहीं है। पर जब तक आप कर रहे हो, आपको होश है, तब तक रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कभी कभी आपकी जात शक्ति भूलने लगती है। कभी कभी प्रेजेंस ऑफ माइंड कमजोर होने लगता है। रमन में रमन में मन में जाप करते रहें। इस चक्रा के जागृत होने से धन की कृपा होने लगती है, आपकी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। अगर आप निरोग हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, इस चक्रा को ठीक रखते हैं तो आप बीमार नहीं होते हैं। ये चक्रा इम्यूनिटी सिस्टम की शक्ति को बढ़ाने वाला है। पर मैंने ऐसा अनुभव किया कि ये चक्रा स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला, स्पिरिचुअल पॉजिटिव शक्ति को बढ़ाने वाला, स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने वाला, आपके मन से, आपके ब्रेन से, आपके शरीर से पॉजिटिव के लिए पॉसिबल वर्ल्ड को खत्म करने वाला और आपको सहज बनाने वाला, सरल बनाने वाला। जब ये चक्रा जागृत हो जाता है, आप बहुत सरल हो जाते हैं। सब कुछ होने के बावजूद आप नम्र हो जाते हैं। आप में बदले की भावना चली जाती है। आप में क्षमा करने की शक्ति बढ़ने लगती है और सबसे बड़ी बात, आप परमात्मा के करीब हो जाते हैं। आप उस माता रानी, अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर के करीब होने लगते हैं। आपको समझ आने लगती है, आपको वास्तविकता समझ आने लगती है, आप कहाँ खड़े हो आपको समझाने लगती है। एक बहुत बड़े बादशाह थे, रोज खैरात बांटते थे अपनी नमाज वगैरह अदा करके। फकीरों को दान किए बिना कुछ नहीं खाते थे। रोज का उनका नियम था और सैकड़ों भिखारी लोग, भीख मांगने वाले लोग भी इकट्ठे हो जाते थे। अनाज देते थे सबको, कुछ सोने की अशरफियां भी रखते थे, वो भी देते थे। एक फकीर था, रोज आता था। उसका नियम था कि राजा के पास जाना, खाना खाना, और शायद अशरफियों की भी चाहत रही होगी। एक दिन की बात है, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत तूफान हो रहा था। वो अकेला ही गया राजा के दरबार में, पहुंच गया, देखा खिड़की से कि बादशाह प्रेयर कर रहा है। उसके बाद हाथ उठा के मांग रहा है कि अल्लाह हे भगवान हे खुदा मुझे जय देना जय देना जय देना जय देना। पहले तो फकीर को शक हुआ कि जो बादशाह भी मांग रहा है किसी से, फिर उसको सच नहीं हुई जुबान, कानों में सच्चाई नहीं लगी, फिर देखा, जब यकीन हो गया तो चल पड़ा वहां से। बादशाह उठा, उसने देखा कि कोई आज आया ही नहीं मांगने वाला, और वो देखा कि एक फकीर जा रहा है ऐसे बाहर। उसने उनको भेजा अपने कर्मचारियों को, उसको लेके आओ वापस। बोले चल राजा तुम्हें बहुत कुछ देना चाहते हैं, आज तो शरफियां भी पूरी तेरी हैं। बोले मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं चाहिए? बोले नहीं चाहिए मुझे, पर राजा तो राजा होता है, बादशाह बादशाह होता है, उसको पकड़ के ले आए पुलिस वाले। बोले भाई तू रोज आता है, मैं देता हूं, तुम्हें पहचानता हूं, आज क्या हो गया तुम्हें? बोले बादशाह कुछ नहीं हुआ, आज मुझे ज्ञान हो गया। बोले क्या ज्ञान हुआ? बोले तू बादशाह है, बादशाह होके भी किसी से मांगता है, तो मैं फिर उसी से मांगू जिससे तू मांगता है। दोस्तों मुझे नहीं पता ये कहानी सच है कि झूठ है। जैसे आप ध्यान करते हो, मंत्र जाप करते हो, साधना करते हो, आपके हालात वैसे ही बनना चाहते हैं जैसे आप चाहते हो। अपनी चाहत को, अपनी इच्छा को, अपने संकल्प को पूर्ण रूप से शुद्ध रखो, प्योर रखो। मैं तो तरक्की करूंगा, साथ में दूसरे भी करें। ऐसा नहीं मैं तरक्की करूंगा तो इसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा, वहां भगवान नाराज होते हैं। आप तरक्की करोगे तो भगवान आपको देगा ही देगा, वो तैयार बैठा है, पूरा यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड तैयार बैठा है। जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, जिस प्लेनेट पे हम रह रहे हैं, ऐसा लिखा है कि हम रेत के कण के बराबर हैं। पूरा वर्ल्ड देख लो, विश्व कितना बड़ा है, और हमारी क्या हैसियत होगी, और ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। आप जो भी चाहते हो, जो भी आपकी डिमांड है, किसी की बुरा नहीं करने की हो, जो भी आपका संकल्प है, उसके लिए मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं अपने अपने अनुभव से, गुरुजी की कृपा से, और आप लोगों से। आप जो करते हो ध्यान, बहुत कम लोग करते हैं। जैसे 100 लोग इकट्ठे होते हैं, 5 ही रह जाते हैं, 4 ही रह जाते हैं, 3 ही रह जाते हैं। पर आपको कहीं भी मांगने की जरूरत नहीं है, कहीं भी अडंबरों में फंसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान के चरणों में लगने की जरूरत है, मंत्र जाप साधना करने की जरूरत है। आप जो काम करते हो 8 घंटे की बजाय 12 घंटे 10 घंटे करना शुरू करो। फेल हो गए तो घबराना नहीं, फेल हो गए तो हमारी और ट्रेनिंग थी, जैसे मैं सदा बात करता हूं। और नाभि चक्र स्ट्रांग है, आपको तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं होने देता, आपको नेगेटिव एनर्जी को नहीं अंदर जाने देता। और जब आप किसी महापुरुष के चरणों में जाते हो, परमात्मा के दरबार जाते हो, भगवान के घर जाते हो, कहीं ऋषि मुनियों के चरणों में जाते हो, कभी आप पे कृपा हो रही है शक्तियों की बैठे बैठे, तो आपका नाभि चक्र बहुत कुछ रिसीव करता है, बहुत कुछ रिसीव करता है। जैसे आयुर्वेद में कहा है कि पेट का ध्यान करना सबसे ज़रूरी है, पेट को क्लीन रखना सबसे ज़रूरी है। इसी तरह से ये नाभि चक्र, इससे हमारा पेट भी संबंधित है, उसके लिए कभी फिर बात करेंगे। पर आप इसको क्लीन रखो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्लीन करने की, आप अच्छा रखो। और जैसे जैसे आप ध्यान करोगे, आप नाभि चक्र पे ध्यान करना, रम नम शब्द का जाप करते करते, शब्द बंद हो जाए कोई बात नहीं। आप देखना ये चक्र घूम रहा है, और जैसे चक्र घूमने लगे, इस मुट्ठी को ऐसे ही बंद करके रखना, अंगूठे को अंदर ऐसे, इससे पूरी शक्ति केंद्रित हो जाती है। ये इसकी मुद्रा है। पहले थोड़ी देर कल्पना करो कि चक्रा घूम रहा है। 2, 4, 10 दिन 20 दिन महीने में आपको महसूस होने लगेगा, आपको वाइब्रेशन फील होने लगेगी। जैसे जैसे वाइब्रेशन फील हो तो आप आगे के जो स्टेप्स हैं अपने गुरु महाराज के चरणों में जा कर के सीखें। और सेकंड थिंग, नेक्स्ट आप अपने श्वास को भीतर लें फिर बाहर निकालें। रोकने की कोशिश करें जितना रोक सकते हो। जैसे आप श्वास को रोकते हो तो थोड़ी दम घुटने लगता है। जैसे जैसे इसको 20 टाइम तक करें। और ये जो श्वास रोकने की प्रक्रिया है ये हमारे 6 चक्रा को ही जागृत करती है। जब 6 हो जाते हैं तो 7वां अपने आप हो जाता है। और जो श्वास की प्रक्रिया नाभि चक्रा से संकल्प पैदा हुआ, आज्ञा चक्र ने आज्ञा दी, ब्रह्मांड ने आज्ञा को माना और पूरा हो गया। सभी चक्रा की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। नाभि चक्रा, मणिपुर चक्रा और आज्ञा चक्रा का बहुत बड़ा कनेक्शन है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ लोगों का जो चक्रा खराब होता है तो बहुत सी बीमारियां आती हैं। कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं बेटा कोई बीमारी नहीं है तुम्हें, पर उसको अनईजी फील होता है। जहाँ पे कुछ फील होता है, जहाँ पे फील होता है, जब हम दूसरों के साथ बेईमानी करते हैं, विश्वासघात करते हैं, परिवार के साथ विश्वासघात करते हैं, गुरु के साथ करते हैं, पिता माता के साथ करते हैं, तब भी ये चक्रा खराब होता है तो फिर कोई इलाज नहीं होता उसका। बहुत मुश्किल आ जाती है। अपने आप को ईमानदार बनाएं और जो चाहिए आपको आप संकल्प करें, परमात्मा की शक्ति देगी आपको। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। अभी हम आज थोड़ा सा जाप करेंगे हसा काला हरीम का, जो हमारे सभी चक्रा को बैलेंस करता है। यहाँ आप अपने गुरु मंत्र का जाप भी कर सकते हो। हसा काला हरीम, 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 हसकल 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 हरीम। नाभि चक्रा पे ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। मन ही मन में अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने गुरु जी का ध्यान करें, जिनको भी आप मानते हो, जिसकी भी धर्म के हो, जिस भी धर्म के हो, उसी का ध्यान करें। कहीं कन्फ्यूजन है तो भगवान की ज्योति का ध्यान करें, दिए का ध्यान करें, सूर्य का ध्यान करें। जो भी करना चाहते हैं करें। कहीं कन्फ्यूजन है तो अपने गुरु महाराज से गाइडेंस लें, पूछें उनसे। मैं कहता हूं कि माँ का ध्यान करो तो मेरी इष्ट माँ है, उन्हीं की कृपा है। माँ के चरणों में चले जाएं, अपने इष्ट के चरणों में चले जाएं। मन से उनका श्रृंगार करें। उनको फूल, अलंकार, फल अर्पण करें। ऐसी भावना करें कि वो प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। अपने उनके चरणों में समर्पित हो जाएं, उनके चरणों में सिर रख दें, उनकी गोदी में सिर रख दें और अपनी कथा व्यथा कहें उनको। आपका जो संकल्प है, आपका जो गोल है, वो पूरा कर दिया उन्होंने, आपको प्रसाद के रूप में दे दिया। पूर्ण रूप से फील करें, महसूस करें कि माँ ने कृपा कर दी, आपका संकल्प पूरा हो गया, आपका गोल पूरा हो गया। बहुत मुश्किल है, जैसे जैसे आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, आपको लगेगा कि माँ ने पूरा कर दिया, भगवान ने पूरा कर दिया। शुक्रिया करें माता रानी का, भगवान का, ईश्वर का, गुरु जी का। उन्होंने हमारा संकल्प, हमारा गोल पूरा कर दिया। मयूरपंख मुद्रा करें। आंख के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना। धीरे धीरे आँख खोलेंगे, हाथ उठाएंगे, हाथों को देखेंगे, ऐसे टच करेंगे। मन ही मन परमात्मा का, भगवान का, ईश्वर का थैंक्स, शुक्रिया हे माँ, तेरी बहुत कृपा है माँ, तेरे सिवाय कोई नहीं है हमारा माँ, आप ही कृपा करने वाली हो, आप ही सब कुछ हो माँ। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महारानी आप सब पे बहुत बहुत कृपा करें, आपको बहुत शक्ति दें, आपके संकल्प पूरे हों, आपके गोल पूरे हों। आप सबके भीतर बैठी हुई माँ की शक्ति को, भगवान की शक्ति को प्रणाम करता हूँ। जय माता दी।